हेलो क्लासिट देखिए भाई हम लोग ये मेटल और नॉन मेटल पढ़ रहे थे मेटल और नॉन मेटल में एक्सरसाइज़ के क्वेश्चंस उसमें नंबर सिक्स तक हो गया था आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है एक बार देखो फिर ये हमने एक्सप्लेन किया था चैप्टर में ही कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल एक्सप्लेन आप नींबू का अचार जो है वो एल्युमिनियम के बर्तन में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं और अगर रख सकते हैं तो क्यों नहीं रख सकते हैं और अगर नहीं रख सकते हैं तो क्यों नहीं रख सकते ये बताना आपको लेमन पिकल कैनॉट बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल बिकॉज लेमन पिकल कंटेन एसिड नहीं किया सकता क्योंकि लेमन पिकल में अचार में एसिड होगा विच कैन रिएक्ट विथ एल्युमिनियम जो कि एक मेटल है उसके साथ रिएक्ट रिएक्शन कर सकता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा क्योंकि एसिड रिएक्ट विथ मेटल लिबरेट हाइड्रोजन गैस ये हमने पहले ही बता रखा है दिस कैन लीड टू स्पॉइलिंग ऑफ द पिकल और इससे होगा क्या आपका आचार खराब हो जाएगा ठीक है ना हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकलने लगेगी और पूरा वो खराब होने लगेगा आपका, आपका पिकल मैच द सब्सटेंस गिवन इन कॉलम विद यूजेस इन गिवन इन कॉलम बी इधर मेटल दिया हुआ है या सब्सटेंस के अलवा आप दिया है उसका यूज इसमें बी में दिया हुआ है तो आपको मैच करना है देखिए गोल्ड का ज्वेलरी होगा ऑब्वियसली गोल्ड से ज्वेलरी बनाएंगे आयरन से आयरन से मशीनरी एल्यूमिनियम से रैपिंग फूड एल्यूमिनियम फॉइल हम यूज़ करते हैं किसमें खाना जो पैक करते हैं उसमें एल्यूमिनियम यूज़ फॉइल यूज़ यूज करते हैं ठीक ना रैपिंग फूड ठीक ना कार्बन फिल की तरह यूज़ होता है कॉपर इलेक्ट्रिक वायर इलेक्ट्रिक वायर्स जो होते हैं उसमें कॉपर का प्रयोग किया जाता है बनाने में इलेक्ट्रिक वायर का और मरकरी हमने बताया था कि जो थर्मामीटर होता है उसमें जो लिक्विड होती है वो मरकरी होती है और मरकरी इज़ ए मेटल ओके मरकरी इज़ ए मेटल और ये फिल की कहाँ की जाती है थर्मामीटर में जो लिक्विड आपको दिखता है जिसे टेम्परेचर मेजर करते हैं अपनी बॉडी का वो मरकरी होता है इसका सिंबल एच होता है हाइड्रोगम इज़ द लेटिन नेम ऑफ मरकरी ठीक है एक सेकेंड ये क्वेश्चन नंबर नाइन थोड़ा सा इसमें शो नहीं हो रहा है अच्छा ये रहा अच्छा ये वॉट हैपन्स वेन यहाँ लिख दिया है ध्यान से देखिए वॉट हैपन्स वेन ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट हैपन्स वेन अब इसमें दो ऑप्शन हैं पहला कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पोर्ड इन कॉपर प्लेट एंड आयरन नेल सर्पलेट इन कॉपर सल्फेट सोलूशन और अगर उसमें रिएक्शन है तो रिएक्शन लिखना भी है मैंने एक आपको एक चीज़ बताई थी कि कोई मोर रिएक्टिव मेटल है वो दूसरे मेटल के सल्यूशन से मान लो मेटल सल्फेट है मान लो या अभी एग्जांपल ही बताते हैं ऐसे अगर मान लीजिए कोई मेटल है एम वन और कोई मेटल है एम टू ये इस जो वॉट हैपन्स वेन ए बी में एक्सप्लेन करने में काम आएगा अगर एम वन ज़्यादा रिएक्टिव हुआ एम टू से तो एम वन एम टू को डिस्प्लेस कर देगा उसके साल्ट के सलूशन से मतलब अगर एम टू के साथ मान लो क्लोराइड यहाँ जुड़ा है तो एम वन सी एल बन जाएगा और एम टू को हटा देगा यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा क्यों क्योंकि एम वन इज मोर रिएक्टिव देन एम टू ये कॉन्सेप्ट यहाँ काम होगा तो पहला है कि डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉरी डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट सल्फ्यूरिक एसिड को डाला जाता है किस पे कॉपर प्लेट पे व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट देर विल भी नो रिएशन बिटवीन कॉपर एंड डायलूड सल्फ्यूरिक एसिड एज कॉपर इज लेस रिएक्टिव एंड हैंस नो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म कॉपर क्या है लेस रिएक्टिव है इसलिए सल्फ्योरिक एसिड के साथ रिएक्शन या किसी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव सेकेंड वन क्या था देखिए आयरन नेल्स आयरन नेल्स आर प्लेसड इन कॉपर सल्फेट सोलूशन कॉपर सल्फेट है उसमें आयरन नेल मतलब एफ ही -E से रिएक्शन कराया जा रहा है इसको ठीक है न <laughs> आयरन बिंग मोर अच्छा एफ ई यहाँ है और इसको मैंने बताया कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराया जा रहा है सी यू एस ओ फोर ये यू है सी यू है ना अब एफ ई इज़ मोर रिएक्टिव देन सी यू यानी कि एफ ई सी यू को डिस्प्लेस कर देगा और खुद ये बना लेगा एफ वी एस ओ फोर डिस्प्लेस करने का मतलब अपने जुड़ जाना वहाँ खुद जुड़ जाएगा उससे और इस कॉपर को अलग कर देगा क्योंकि आयरन इज़ मोर रिएक्टिव ये लिखा भी है देखिए आयरन बींग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सल्यूशन कॉपर सल्फेट से देखो सी यू यहाँ से हटा हट के एफ पी खुद आके यहाँ जुड़ गया एफ पी ऊपर बना लिया और सी को अलग कर दिया क्यों क्योंकि सी कमजोर है और एफ ज़्यादा रिएक्टिव है ठीक है ना तो आयरन बींग मोर रिएक्टिव डिसप्लेसेज कॉपर फ्राम कॉपर सल्फेट सलूसन इन दिस रिएक्शन द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फिट्स एंड देर इज अ डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन द आयरन नल इसमें यह प्रोसेस होता है कि ब्लू कलर जो होता है कॉपर सल्फेट का वो फेड हो जाता है और डिपोजिशन किसका हो जाता है कॉपर का किस पे आयरन नेल पे आयरन नेल पे ये आयरन नेल पे ये बनने के बाद कॉपर का डिपॉजिट हो जाती है क्योंकि कॉपर अलग होते जाती है ना यहाँ से तो कॉपर डिपॉजिट अंदर डिपोजिशन ऑफ ऑन अंदर आयरन नेल ठीक है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बोलते हैं क्वेश्चन नंबर दस सलोनी टू के पीस सॉरी सलोनी टू के पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस टेस्ट ट्यूब बर्निंग चारकोल है वहाँ से जो गैस निकल रही है उसने उसको कहाँ कलेक्ट किया टेस्ट ट्यूब टेस्ट ट्यूब एक को परखनली बोलते हैं इस टाइप का एकदम पतली सी स्ट्रिप टाइप की होती है ठीक है ना टेस्ट ट्यूब में उसने कलेक्ट किया किसको गैस को हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ़ द गैस चारकोल को गर्म किया मतलब जलती हुई चारकोल से गैस निकाला उसने चल जल्दी चारकोल से गैस निकाला और इस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया अब करना क्या है कि हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस इसमें जो गैस भरी है उसका नेचर क्या है वो कैसे पता करेगी दूसरा क्वेश्चन राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस इस प्रोसेस में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उनको लिखना है देखिए एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग गैस जो टेस्ट ट्यूब मैंने बनाया था जिसमें गैस उसने कलेक्ट किया है उसमें कुछ वाटर ऐड करिए नाउ कवर द टेस्ट ट्यूब एंड सेक इट वेल कवर कर लेना उसको हिलाना है काफ़ी देर तक आफ्टर शेकिंग टेस्ट द सॉल्यूशन विद द ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस शेक करने के बाद ब्लू और रेड दोनों पे उसको डालेंगे इट विल टर्न ब्लू लिटमस रेड ये जो ब्लू लिटमस होगा जब ब्लू लिटमस में आप उस लिक्विड को डालेंगे तो ब्लू को रेड कर देगी इसका मतलब वो एसिडिक है और रेड लिटमस पे कोई रिएक्शन वो नहीं करेगी यानी कि रिएक्शन नहीं, करने का, नहीं करने का मतलब रेड लिटमस के रेस्पेक्ट में उसका कोई रिएक्शन नहीं है लेकिन ब्लू को रेड करने का मतलब इट इज़ एसिडिक इन नेचर क्योंकि एसिड जो होता है वो ब्लू को रेड कर देता है ब्लू लिटमस को रेड और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है लेकिन रेड लिटमस को ब्लू इसने नहीं किया इस लिक्विड ने यानी कि वो रेड बेसिक नहीं है ठीक है ना या बेस नहीं है ठीक है लेकिन ब्लू लिटमस को उसने रेड कर दिया यानी कि एसिड है है ठीक देखो अच्छा अच्छा बी में चारकोल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस चारकोल में कार्बन फ्रॉम चारकोल चारकोल में कार्बन होगा ठीक है ना ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा ये रिएक्शन बी वाले का आंसर ठीक है ना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बन गया और फिर जो वाटर हमने किया, मिलके H2CO3 बना लिया उसने। जो वाटर ऐड करने के तो बाद कर अंदर गैस है वो एसिडिक के नेचर या लिक्विड जो है वो एसिडिक के नेचर है क्योंकि वो ब्लू को रेड से कन्वर्ट कर दे रहा है ठीक है लास्ट क्वेश्चन है वन डे रीता वेंट टू ए ज्वेलर शॉप विथ हर मदर सोने की दुकान पे गई मतलब सोनार की दुकान पे हर मदर गिव एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिस उस पुराना सोने का कुछ रखा होगा उन्होंने पॉलिश करने को दिया नेक्स्ट डे वन दे बॉर्ड द ज्वेलरी बैग दे फाउंड दैट देर वॉज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट उसके वेट में थोड़ा लॉस था कैन यू सजेस्ट रीज़न फॉर द लॉस इन वेट देने गई उसको सफाई के लिए हुँ? या सॉरी पॉलिश के लिए पॉलिश करने के बाद ये पता चला कि उसका कुछ वेट लॉस हुआ है तो रीज़न क्या है सी द पॉलिश टू पॉलिश ए गोल्ड ऑर्नामेंट सोने का सामान है इट इज़ डिप्ड इन ए लिक्विड कल्ड एक्वारिजिया किसी गोल्ड ऑर्नामेंट को अगर साफ करना है तो उसको एक्वारेजिया में डूबा जाता है और एकवारीजिया क्या है ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच सी एल एंड नाइट्रिक एसिड एच एन ओ थ्री इसके मिक्सचर को बोलते हैं बॉट एक्वरिजिया तो एक्वरिजिया में डाला जाता है ऑन गेटिंग द एनवायरमेंट ऑफ एक्वारेजिया द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड डिजोल्व्स एंड इनर शाइनी लेयर एपियर्स होता क्या है जब इसमें इसके मिक्सचर में एक्वरिजिया जिसको बोलते हैं इसमें जब गोल्ड आप डालोगे तो गोल्ड का जो आउटर लेयर होगा वो इसी में डिजोल्व हो जाता है और जो अंदर का चमकीला पदार्थ होता है सोने का वो फिर चमक वो एपियर होता है वो चमक के रूप में निकलता है द डिजोल्विंग ऑफ द लेयर कॉजेज ए रिडक्शन इन द वेट अब अब सोने का वो आउटर लेयर निकल के इसमें घुल गया तो उसके वेट में कमी तो आएगी आएगी तो ये रीज़न दिस इज द रीजन बाई द वेट ऑफ द कार्बन सॉरी द वेट ऑफ द गोल्ड डिक्रीज़ेस ठीक है ना तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म हुआ अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए थैंक यू